सो हेलो गाइज, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लैम विद नेहा, यानी कि ग्लैम गुडनेस। तो आज हम करने वाले हैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। जी हाँ, ये वीडियो है प्रोडक्ट डू एंड डाई। दैट मींस कि हम ये प्रोडक्ट या तो लगा के अपना फेस ख़राब कर लें, या फिर नॉलेज ना होने के कारण हम अपने पैसे को वेस्ट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है फेस प्राइमर। जी हाँ, फेस प्राइमर ये हमारे जो भी बेस मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग करता है और हमारी स्किन को जो है हार्मफुल केमिकल्स से प्रोटेक्ट करता है। बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लैक्मे का प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं, 400 से 500 के अंदर में आ जाएगा। फाउंडेशन जो है ये हमारी स्किन को प्रेप करता है, बेस है। थर्ड है फिटमी का फाउंडेशन, फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये जो भी हमारे पोर्सेस होते हैं उनको ठीक करता है। कंसीलर जो कि हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह को जो है वो छुपा देता है, हाइड कर देता है। मेबलिन और नायका का कंसीलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है कंसीलर में। उसके बाद आता है लूज पाउडर, ये जो भी हमारे पैचेस वगैरह होते हैं उनको क्लियर करता है और जो लॉन्ग लास्टिंग बनाता है हमारे मेकअप बेस को। कॉन्टोर या ब्राउन्जर, ये अलग अलग शेड्स में आते हैं, अलग अलग कंपनी के अवेलेबल हैं। ये हमारे फेस पे कॉन्टोरिंग, हाइलाइटर और मेकअप, आप मास्टर ब्लश का या नायका का ले सकते हैं। ब्लश जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये हमारे चीक्स को हाईलाइट करता है, एक पिंकिश ग्लो देता है, इसमें अलग अलग शेड्स आते हैं। एंड द मोस्ट फेवरेट हाईलाइटर, जी हाँ, ये हमारी स्किन पर एक अलग सा ग्लो देता है। स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं हम, जो 270 का आता है। एंड द मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट इन द योर मेकअप किट वो होते हैं मेकअप ब्रशेस, जो आपको जो है ये प्रेप लोगों के लिए होता है जो ब्रशेस का यूज़ करना चाहते हैं, जानते हैं और उन्हें पता होता है कि कौन से ब्रशेस किस बेस के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद आप यूज़ करते हैं आईलाइनर। आईलाइनर जो है वो हमारे आईज की शेप्स को इन्हेंस करता है, छोटी आँखें हों बड़ी आँखें हों सबको जो है वो एक अलग से शेप देता है। मस्कारा फॉल्स लेसेस लगाओ या आप मस्कारा लगाओ, मस्कारा जो है वो सेफ होता है। फॉल्स लेसेस पार्टी वेयर वगैरह के लिए होता है। और उसके बाद आता है हाइपर कर्ल का मस्कारा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काजल आप माइग्लैम का यूज़ कर सकते हैं, नायका का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे काजल्स हैं। स्कैंडल टिट के काजल है, आईब्रो जेल है या आईब्रो पेंसिल, आप दोनों में से दोनों यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो जेल जो है वो अच्छे से डिफाइन करता है और आईब्रो पेंसिल जो है टेम्परेरी होता है, 5 से 70 रुपये में आईब्रो पेंसिल आ जाएगा। लिपस्टिक और लिप लाइनर, इसके अलग अलग शेड्स होते हैं, ये आप अपनी स्किन टोन और अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मिलानी की लिपस्टिक सबसे महंगी है, 500 से 600 के अंदर आएगी। मिलानी की लिप लाइनर 500 से 600 के अंदर आएगा, इसमें अलग अलग शेड्स आ जाएंगे विथ नेम, और आप चाहें तो लिंक पे जाके शेड्स देख सकते हैं। और मेकअप के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये आपके मेकअप को जो लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।